थर्ड क्लास हम आपका इंग्लिश ग्रामर का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 10th चैप्टर प्रीपोजिशंस। बेसिकली प्रीपोजिशंस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रीपोजिशंस जो होती हैं वर्ड्स वो क्या होते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इज रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स। ओके, प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड होते हैं जो अदर वर्ड से उनका हमारा रिलेशन बताते हैं कि किस तरीके से दो वर्ड्स को जब ज्वाइन किया जाता है, इनके नाउन और प्रोनाउन दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है तो उनका रिलेशन आपस में क्या बनता है। वो बीच में जो दो वर्ड ज्वाइन होते हैं उनको ज्वाइन करने वाला जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस वर्ड को प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बताया हुआ है द स्नेक इज इन द होल। ठीक है, तो यहाँ पे इन का जो यूज किया हुआ है, इन आपको बताया हुआ है कि जो स्नेक है वो कहाँ है, हॉल के अंदर, अपने होल में अंदर, इन मिस अंदर होता है तो बताया हुआ है, तो यानी कि ये हमारी क्या है जो हमने इन यूज किया है, प्रीपोजिशंस। सेकेंड देखिए, ही इज सिटिंग ऑन अ स्टूल, तो यहां बताया है कि ही इज सिटिंग, वो बैठा है किस पे, ऑन अ स्टूल, स्टूल के ऊपर। ओके, सम कॉमन प्रीपोजिशंस आर, कुछ कॉमन जो प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं वो होती हैं अबाउट, अराउंड, एट, इन, बिफोर, बिहाइंड, बिटवीन, बाय, अक्रॉस, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, इनटू, ओवर, सिंस, डाउन, टिल, अंडर, एक्सेट्रा। ये सारी जितने भी मैंने अभी आपको पढ़ा, आपको रीडिंग किया है, ये सारी क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं। ओके, इनको अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, कुछ आगे वर्ड्स दिए हुए हैं उनका प्रीपोजिशंस में कैसे यूज किया हुआ है देखते हैं। जैसे ये पिक्चर देख रहे हो आप, कैट बैठी है टेबल पे, तो यहां बताया है द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के कहां बैठी है, ये ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या आता है, ऑन, ऊपर बैठी है या ऊपर रखा है या टेबल के ऊपर पेंसिल रखी है तो उसके लिए क्या हम यूज करेंगे, ऑन, हमारी कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी उसके लिए, ऑन। ओके, अब सेकंड देखिए, द बैग इज इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर रखा है बैग, तो इन, यानी कि कोई हमारा बैग या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हमारे क्लोथ्स हमारी अलमीरा के अंदर रखे हैं तो उसके लिए क्या हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। जैसे आपकी बुक्स, बुक सेल्फ के क्या रखी होती है, इन, अंदर, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, इन का यूज करते हैं, तो इन हमारी प्रीपोजिशंस अंदर के लिए यूज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है वी आर एट द टेबल फॉर लंच, हम कहां बैठे हैं, एट द टेबल, टेबल के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यूज करेंगे, एट का यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑन, इन, एट का आपने यूज देखा, ये हमारी क्या है, प्रीपोजिशंस, इसी का यूज करके हमने टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इससे पहले आपने कंजक्शन पढ़े थे, सेम वैसे ही प्रीपोजिशन का यूज भी वही होता है कि जब दो वर्ड को आपस में ज्वाइन किया जाता है, उनके बीच रिलेशन बनाया जाता है, तो ऐसे वर्ड को ज्वाइन किया जाता है जिसको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। ओके क्लास, अब आगे एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो आपको इन, एट और ऑन का यूज करके फिल करनी है। ठीक है, जैसे देखिए, देयर इज एन एग डैश द प्लेट, एग जो है वो कहां रखा है, प्लेट के ऊपर, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हाँ अभी मैंने बताया किसी चीज के ऊपर कुछ चीज हो, यानी किसी के टेबल के ऊपर कैट थी तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, ऑन लगाया था, ऐसी ही सेम प्लेट के ऊपर क्या है, एग है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, ऑन, ऑन द प्लेट। ओके, द रेट इज डैश द होल, रेट जो है वो कहां है, अपने होल के अंदर, अंदर के लिए क्या लगाते हैं हम, इन। ठीक है, आगे चलते हैं, द कैप लाइज डैश द टेबल, जो कैप है वो टेबल के कहां है, ऊपर रखी हुई है, यहां पे पिक्चर में भी दिख रही है आपको, तो उसके लिए क्या लगाया हमने, ऑन लगा दिया यहां पे। आई शूट एन एरो डैश द डियर, यानी कि हमने किस पे शूट किया एरो, डियर के ऊपर, तो ऑन द डियर। द कैट इज लुकिंग डैश द फिश, कैट जो है वो किसको देख रही है, फिश को देख रही, तो एट द फिश। ओके, द क्रेयॉन्स आर डैश द ड्रॉअर, क्रेयॉन्स जो है वो हमारे कहां है, ड्रॉअर के अंदर रखे हैं, तो अंदर के लिए क्या लगाया हमने, इनका यूज किया है। ठीक है, द वॉटर बॉटल इज लाइंग ऑन द टेबल, वॉटर बॉटल कहां रखी हुई है, टेबल के ऊपर। देयर इज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग डैश द वॉल, वॉल के ऊपर, पेंटिंग जो है वो कहां पे लटकी, कहां पे है, वॉल के ऊपर, तो ऊपर के लिए ऑन का यूज किया, अंदर के लिए इन का यूज किया, और एट का यूज बेसिकली, एट का बेसिकली यूज क्या होता है, जैसे कि कुछ भी चीज हमारी जो फिक्स होती है उसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे एट का एग्जाम्पल हमने रीड किया था, वी आर एट द टेबल फॉर लंच, हम क्या कर रहे हैं टेबल पर लंच कर रहे हैं, तो उसके लिए हम साथ में बैठे हुए टेबल पे एक टाइम में सब पूरे पूरा जो फिक्स्ड जो टाइम था उसके लिए यहाँ पे एट यूज किया गया था। ठीक है, तो प्रॉपर जो टाइम दिया जाता है आपको उसके लिए क्या यूज किया जाता है यहाँ पे एट। अब आगे देखिए ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है, मैंने आपको शो की है, आप इसको फिल कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में एंड बुक्स में भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन एट और ऑन का टाइम प्रीपोजिशंस देख लेते हैं कि किस के अकॉर्डिंग इन एट और ऑन का यूज किया जाता है, बेसिकली कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से, और इसको रीड भी करना है अच्छे तरीके से, तभी आपको यूज करना आएगा इसका। जैसे देखिए इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, कोई भी मंथ का नेम होता है उससे पहले किसका यूज होता है, इनका, जैसे इन जनवरी, इन अप्रैल, इन मार्च, इन मई। ओके, कोई भी ईयर्स होगा 2000, 2001, 2021, 2022, इस तरीके से 1996, 2014, तो उसके पहले किसका यूज होगा, इनका। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, लेकिन नाइट के लिए इनका यूज नहीं होता, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग के लिए ही, आफ्टरनून के लिए इनका यूज होता है, लेकिन नाइट के लिए इनका यूज नहीं होता है, तो नाइट इसमें नहीं दिया गया, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। कोई भी सीजन हो, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, तो उसके लिए कौन सा, किस चीज का यूज होगा, कौन से प्रीपोजिशन का, इनका। ओके, तो मंथ्स, ईयर, पार्ट ऑफ द डे एंड सीजन, इसके लिए किसका यूज करते हैं हम, इनका। अब आगे चलते हैं, एट का यूज कहाँ होता है, क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम में किसका यूज है, एट का, जैसे 8 o'clock, एट 6:30, एट 2:15, इस तरीके से कोई भी फिक्स जो टाइम होता है उसके लिए क्या यूज होता है हमारा, उससे पहले एट का यूज होता है। नाइट, एट नाइट, एंड नू, एट नून, इस तरीके से हम एट का यूज करते हैं नाइट और नून के लिए। आगे चलते हैं ऑन का यूज, कोई भी डेज नेम हो, ऑन थर्सडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेन्सडे, ठीक है, कोई भी डेट हो, जैसे 6 जुलाई, ऑन 6 जुलाई, ठीक है, ऑन 7 जुलाई, ऑन 1 जुलाई, तो डेट से पहले भी ऑन का यूज होता है। कोई स्पेशल डे हो, जैसे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो ऑन का यूज होता है, ऑन माय बर्थडे, ऑन माय एनिवर्सरी, ठीक है, कोई भी स्पेशल डे हो तो उससे पहले किसका यूज होता है, ऑन का। तो अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग आप समझ चुके हैं इनका यूज, एट का यूज और ऑन का यूज। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे की एक्सरसाइज फिल करेंगे। देखिए एक्सरसाइज किस तरीके से दी है, इसमें इन, एट और ऑन का ही यूज करना है, और जिस जैसे मैंने ऊपर बताया है उस तरीके से यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे देखिए, आई वॉज बॉर्न डैश जुलाई, तो आई वॉज बॉर्न इन, क्योंकि जुलाई कौन सा है, मंथ है, ठीक है, मंथ से पहले मैंने क्या बताया था, इन का यूज होगा, तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे, आई वॉज बॉर्न इन जुलाई। आई वॉज गोइंग टू द फील्ड डैश द इवनिंग, अब इवनिंग के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगाया था, इन लगाया था, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे। माई फादर प्रेजेंटेड मी अ ब्यूटिफुल वॉच डैश ऑन माई बर्थडे, तो ऑन माई बर्थडे। वी आर गोइंग टू आगरा डैश फ्राइडे, डेज नेम है, तो डेज नेम से पहले क्या आता है, ऑन फ्राइडे। वी स्लीप डैश नाइट, नाइट से पहले क्या यूज करते हैं, एट, तो एट नाइट। माई फ्रेंड विजिट्स अस इन समर, सीजन का नेम है, तो मैंने उससे पहले क्या बताया था, इन आएगा, तो इन समर। आई पास्ड हाई स्कूल डैश 2001, कोई भी ईयर होगा 2001, 2014, उससे पहले क्या होगा, इन का यूज होगा, तो इन 2001। इस तरीके से ये फिल करना है आपको, एक्सरसाइज बुक में अपनी सभी फिल करनी है। ओके क्लास, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है, अभी तक आपने पढ़े प्रीपोजिशन इन, एट और ऑन वाले, अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन आपके आते हैं अंडर, अराउंड, नियर और बीसाइड। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी एक प्रीपोजिशन ही होती है। ओके, जैसे अंडर मींस क्या होता है, टेबल के अंडर और बेड के अंडर, ठीक है, इनके नीचे की तरफ। द कैट इज अंडर द बेड, जैसे ये बेड रखा है उसके नीचे क्या है, कैट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अंडर। ठीक है, टेबल के नीचे कोई छुप जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे अंडर द टेबल, अंडर द चेयर। ठीक है, अराउंड, द माउस वॉज रनिंग अराउंड द जग, तो माउस जो है वो रनिंग कर रहा है अराउंड द जग, जग के आसपास, तो आसपास के लिए क्या लगाएंगे, अराउंड। द टेबल इज नियर द विंडो, टेबल जो है वो विंडो के पास रखी है, यानी कि नियर रखी है, पास के लिए नियर का यूज होगा। द कैप आर बिसाइड द कैटल, कैटल के बिल्कुल पास जो है वो कैप रखी हुई है, तो बिसाइड, पास के लिए क्या आएगा, बिसाइड। ठीक है, बिल्कुल पास रखी हुई है, ज्यादा दूर नहीं है, तो बिसाइड आएगा।
ठीक है, एक ही चीज एक ही टेबल पे रखी हुई है, देखिए ये एक ही टेबल पे कैटल भी रखी है और कैप भी रखी है, इसलिए हमने क्या लगाया इसके लिए बी साइड। ठीक है, अगर कैप इसके पास में रखी होती, दूसरी टेबल पे रखी होती, कैटल एक टेबल पे, दूसरी टेबल पे कैप रखी होती, तो हम बी साइड नहीं लगाते, फिर क्या लगाते, नियर द टेबल, नियर द कैटल, नियर द कैटल टेबल, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है द कैप्स आर बिसाइड द कैटल, तो कैटल के पास, बिल्कुल पास रखी हुई है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया आपको कि अंडर किस लिए यूज हुआ है, अराउंड एंड नियर एंड बिसाइड किस चीज के लिए यूज किया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है, ये फिल कर लेते हैं। देखिए, थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे, थर्सडे जो है वो फ्राइडे से क्या आता है, पहले, बिफोर पहले के लिए लगाते हैं, तो बिफोर फ्राइडे। द कैट वॉज हाइडिंग डैश द कर्टेन, कर्टेन के पीछे छुपी है, पीछे के लिए क्या आता है, बिहाइंड। ग्रैंडफादर वॉकिंग स्टिक स्टूड बिसाइड द बेड, बेड के बिल्कुल पास अपनी ग्रैंडफादर ने स्टिक खड़ी कर दी है। द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री, लॉयन जो है अंडर द ट्री, ट्री के बिल्कुल नीचे सो रहा है। ठीक है, तो अंडर द ट्री। द मैन वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, बेंच पर के ऊपर सो रहा है। वी वॉक अराउंड द लेक, लेक के जो मैं आसपास क्या कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। तो ये आपकी प्रीपोजिशंस हो गई है। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रीपोजिशंस होती है, जैसे इन, इनटू, इन कब आता है, इन किसी भी चीज को पर्टिकुलरलाइज करने के लिए, जैसे कि अंदर के लिए क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। ठीक है, जैसे द रैबिट इज इन द बोरो, द रैबिट इज इन द हॉल, इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। इनटू का यूज, द हेयर रन इनटू हिज बिग होल। ठीक है, तो इनटू मतलब आसपास के लिए। आगे देखिए, बाय और विथ, बाय और विथ का यूज भी इसी तरीके से होता है। आगे बिटवीन, अमोंग, बिटवीन और अमंग का यूज भी होता है। ठीक है, बिटवीन जैसे कि टू चीजों को एक साथ, बिटवीन का मीन्स होता है मिडल में, बीच में। ठीक है, तो इस बिटवीन और अमंग का यूज हम उसी चीज के लिए करते हैं, आसपास और बीच के लिए। ठीक है, ऐसी इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने आपको फिल करवा दी है। लुक द ब्राउन हॉर्स इज जंपिंग डैश द हार्डल, हार्डल के ऊपर से जंप कर रहा है, तो ऊपर के लिए ओवर आएगा, तो ओवर पे टिक कर दिया, यहाँ पे मैंने फिल भी किया है। ठीक है, इस तरीके से अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। इसमें इन फ्रंट ऑफ पे टिक किया है, इसका आंसर है इन फ्रंट ऑफ। ओके, ये आपको बुक में फिल करना है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन यू सी दैट ओल्ड मैन बिहाइंड द ट्री, ओल्ड मैन जो है ट्री के पीछे छुपा हुआ है, तो बिहाइंड द ट्री इसका है नेक्स्ट टू, इसके पीछे, नेक्स्ट मतलब इसका ब्रदर इसके नेक्स्ट बैठा हुआ है, तो नेक्स्ट टू। इन बात टब के अंदर क्या हो रही है, बात कर रहा है ये लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे किसके लिए क्या लगाएंगे, इन अंदर के लिए। बिहाइंड पीछे के लिए क्या यूज होता है, बिहाइंड, तो ग्रीन कार के बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ कौन सी कार है, ब्लू कार। नेक्स्ट देखिए, सब जो पूरी फैमिली है वो सिटिंग मतलब बैठी हुई है इन फ्रंट ऑफ, किसके, टीवी के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे इसके लिए। यहां देखिए, देयर इज अ यंग गर्ल, यंग गर्ल के इन फ्रंट ऑफ द बेबी, बेबी के बिल्कुल जस्ट सामने इसकी गर्ल। ठीक है, यहां पे इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, द बी आर फ्लाइंग ओवर द हनी पॉट, हनी पॉट के ऊपर जो है बी जो है फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, तो ओवर आएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, द मैन इज ग्रीन कार इज वेरी अनहैप्पी बिकॉज हिज कार इज स्टक बिटवीन टू अदर कार, दो कारों के बीच में इसकी, इस मैन की कार जो है वो अटक गई है, रुक गई है, बीच में अटकी हुई है। ठीक है, तो बिटवीन आएगा, बीच के लिए क्या लगाते हैं हम बिटवीन, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि मिडल के लिए हम क्या लगाते हैं, मिडल एंड बीच के लिए क्या लगाते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं, तो बिटवीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको फिल करवा दिए हैं, आप इसको अपनी बुक में फिल कीजिएगा, जितने भी मैंने पीछे बैक एक्सरसाइज जितने भी मैंने कराई है एक्सरसाइज, ए वाली एंड बी वाली, सी और डी। ठीक है, ये सभी आपको फिल करनी है अपनी बुक्स में और होमवर्क में भी करनी है अपनी कॉपी में। ओके क्लास, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, प्रीपोजिशंस का। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, आपका सिलेबस फिनिश हो गया है सेकेंड टर्म का। अब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन चलेगी अब आपकी। ओके, चलो, टेक केयर क्लास, बाय।